फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बच्चों का पसंदीदा फूड है। तो ये बर्गर हम घर पे ही बनाएंगे, इसके टिक्की भी घर पे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बर्गर मैंने मॉल से परचेज किए हैं, तो ऑलरेडी ये कट होते हैं। ये चार बर्गर हैं, इनको हम अभी टिक्की और नूडल्स भर के बनाएंगे। अब टिक्की वाला बर्गर बना रहे हैं, तो टिक्की तो घर पे ही बनेगी क्योंकि होम मेड बना रहे हैं सब कुछ। हमने आलू ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा हमने फ्रेश धनिया डाल देना है, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है धनिया के साथ। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देंगे, नमक डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच के करीब हमने अरारोट डाल देना है इसमें। आप बेसन या सूजी भी डाल सकते हो, अरारोट डाल दिया मैंने। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये बाइंड हो जाए अच्छी तरह से। टिक्की हमारी प्रॉपर जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं बर्गर, बिल्कुल वैसा ही बने। इसकी हमने टिक्कियां बना लेनी है। नॉन स्टिक की पैन ले लिया हमने, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा तेल को फैला देना है और टिक्कियों को पका लेना है। टिक्की हमने थोड़ी सी बड़ी ले लेनी है बर्गर के साइज की, तो वो बहुत अच्छा लगता है अगर बर्गर की टिक्की बर्गर के बराबर ही हो। तो ऐसे हमने सारी टिक्कियों को तल लेना है। एक साइड से टिक्कियां पक चुकी हैं, हम दूसरी तरफ इसको पलट देंगे। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी टिक्की बन रही है। तो टिक्कियाँ हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी हैं बर्गर के लिए। अब हम इसको साइड पे रख के दूसरे पैन में बर्गर रेडी कर लेते हैं। तो पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने मक्खन डाल देना है। अब सारे बर्गर को हमने गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। तो बर्गर अच्छी तरह से मक्खन के साथ हमने सेक लिए हैं। अब हमने इसकी उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, हमने ये ऐसी रख लेनी है गर्म करके। गर्म कर लिया मैंने इनको, तो इस साइड पे हमने सॉस लगानी है। सॉस को अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। ये शेजवान सॉस है जो मैंने घर पे ही बनाई है, वो भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब ये सॉस लग चुकी है, तो यहाँ पे मैंने एक एक स्लाइसेस टमाटर की लगा देनी है और एक टिक्की रख दिया हमने। अब हम इस पे अनियन रखेंगे। अब इस पे थोड़ी सी नूडल्स डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल हो जाए। इस पे भी नूडल्स रख देनी है। ऊपर वाली साइड के बर्गर के बीच भी हमने थोड़ी सी सॉस लगा देनी है। अब इसको बंद कर देना हमने। तो ये बहुत ही अच्छे बर्गर हमारे घर पर ही बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही हेल्दी और बच्चों को पसंद भी बहुत है आजकल। तो आप भी इन बर्गर्स को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।